हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी फैमिली व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम अपने गांव में एंटर करने वाले हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको अपने गांव का व्यू। ये हम एंटर कर रहे हैं अपने गांव में और अभी यहाँ से हमारे गांव के खेत स्टार्ट हो गए हैं। ये यहाँ से हमारे गांव के खेत स्टार्ट हो गए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे चल के हमारा गांव। एक अलग ही फीलिंग होती है अपने घर अपने गांव के अंदर एंटर करने की। कुछ ऐसी ही फीलिंग अब हमें भी हो रही है। ये देखिए हमारे गांव के लहलाते हुए खेत। धीरे चलाइए तो अच्छे से दिखेंगे। हमारा जो घर है ना, वो मतलब गांव में नहीं है। मतलब गांव से जैसे ही खेत स्टार्ट होते हैं ना, गांव के अंदर से हमें जाना पड़ता है, बाहर से रास्ता नहीं है। और जैसे ही गांव के अंदर से जाके जैसे खेत स्टार्ट होते हैं ना, फिर मतलब बस एक दो किला ही चलना पड़ता है और फिर हमारा घर आता है। तो हमारा घर जो है वो डाड़ी में है। मतलब डाड़ी क्या होती है कि वो घर होता है जो कि खेत में बना होता है। तो हम जो रहते हैं वो डाड़ी में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब कुछ ही पल में हम अपने घर में जाने वाले हैं। और तो जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो घर है वो खेत में है। और हमारे हरियाणा में जो खेत में जो घर बना होता है उसको ढाणी कहते हैं। तो हमारा जो घर है वो ढाणी में है। और हमारे घर का जो रास्ता है वो मतलब गांव के बाहर से सीधा खेत में एंटर हो जाए वैसा नहीं है। हमारे जो खेत का रास्ता है वो गांव के बीचों बीच से हम जाते हैं, मतलब पूरे गांव को क्रॉस करके और फिर हमारा जो घर है वो आएगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे ही हमारा गांव स्टार्ट होगा ना, मैं आपको वीडियो बनाते हुए और फिर अपने घर लेके जाऊंगी। दादाजी का खेत तो बेटे आने वाला है। अभी तो हम गांव के खेत दिखा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, वो जो दिख रहा है ना वो है हमारा घर। बट उसका जो रास्ता है ना वो यहाँ से नहीं है कि सीधे हम बाई रोड होते हुए अपने घर चले जाए। उसका रास्ता गांव से होकर है। तो अभी मैं आपको लेके जाती हूँ। ये जो था व्यू, ये हमारे घर का बैक साइड का व्यू था। अब हम आपको गांव से लेते हुए अपने घर लेके जाएंगे। और धीरे कर लिया ओड़े। ये देखिए फ्रेंड, इसको देखकर तो आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि हाँ हम गांव में एंटर कर चुके हैं। ये देखिए है ना। इसे बोलते हैं बुग्गी। बुग्गी बोलते हैं ना? हाँ, इसको बोलते हैं बुग्गी। ठीक है, बैलगाड़ी। तो इसमें अभी ये रेडू भी बोलते हैं, शुद्ध हरियाणवी में इसको रेडू भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी बस हमारा ये गांव स्टार्ट हो गया है। ये गांव के ये फर्स्ट घर है और ये हम गांव में एंटर कर चुके हैं। और ये जो सामने जो रेड कलर का दिख रहा है, ये है हमारा मतलब ये पूजनीय स्थल है हमारे गांव का। इसको इसका नाम है दादा केसरा, हम मतलब इनको कहते हैं। और इनकी मान्यता है, मतलब
बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है इनकी मान्यता। इनकी मान्यता ये है कि यहाँ पर अगर किसी को सांप भी काट लेता है तो यहाँ लाने के बाद वो इंसान मरता नहीं है। ये देखिए ये है, तो यहाँ को यहाँ भी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी, हम लोग फिर आएंगे, बट अभी घर घर चलते हैं। तो ये है वो प्लेस, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, यहाँ पे मेला भी लगता है जन्माष्टमी के दिन। ये देखिए, तो आप देख ही रहे हैं कि हमने पूरे गांव को क्रॉस किया है। इनका गांव जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो हमारा टोकस गांव है, टोकस पातन के नाम से इसको जाना जाता है। पातन जो है वो इस गांव से लगता ही गांव है, लेकिन ये जो हमारा गांव है इसका नाम है टोकस। तो ये देखिए, ये जो घर आ रहे हैं ये हैं गांव के लास्ट घर, मतलब इसके बाद खेत स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो खेत हैं ये हमारे ही खेत स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये बस हम आने ही वाले हैं। ये जो है ये हमारा खेत है, बस अब ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो हमारा घर है, और ये सारे खेत हमारे ही हैं। ये खेत है बेटे, और ये अपने खेत है। और ये अलग है। हमारा घर, हमारा घर, कौन है घर में? दादाजी हैं। और कौन है? दादी जी है, भैया है, अंश भैया है, चाचा है, चाची हैं, और सब हमारा वेट कर रहे हैं, है ना? कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे? उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गया है हमारा घर। वाओ, कितना सुंदर व्यू है, ग्रीन ग्रीन। ये हमारा घर, और ये जो घर है इस पे लिखा है पापा जी का नाम, चौधरी श्रीराम पूनिया, और ये पापा जी। कदे लग गया था दीदी का जो आपका काम करा है। कहा है अंशु? और ये है चाची जी, और जो पैर छू रही है पीछे से छू के आ गई। ये है हमारी मम्मी, अंश पुनिया, लड्डू बेटा। कौन है ये? अंश पुनिया। हाँ जी फ्रेंड, तो जैसा कि आपने देखा कि हम आ चुके अपने घर, और आगे की हमारी जो छुट्टी की जो जर्नी है और उसको हम कंप्लीट करेंगे, मतलब डे बाय डे आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो इस व्लॉग का एंड हम यही करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए बालाजी फैमिली व्लॉग्स। बाय।